रणवीर शौर्य और लव कटारिया के बीच में हुआ एक बड़ा झगड़ा। रणवीर शौर्य ने दी लव कटारिया को ओपन धमकी। जी हाँ दोस्तों, रणवीर शौर्य बिग बॉस के घर में तमीज की बात करते हैं। रणवीर शौर्य ने यहाँ पे लव कटारिया को धमकी दे दी है। बता दूं मैं आपको, पहले एक टास्क हुआ जिस टास्क में रणवीर जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे फेयर नहीं रहे। एज ए संचालक उन्होंने बहुत ही ज्यादा बायस्ड परफॉर्मेंस दिया और डिबेट टास्क में कहीं ना कहीं रणवीर ने सारा राशन अरमान मलिक की टीम को दे दिया गया। यहाँ पे लव कटारिया की टीम को विशाल को सिर्फ उतना ही राशन मिला, बेसिक राशन, जिसके बेस पे सर्वाइव कर पाए। ना इन्हें दूध दिया गया है, ना इन्हें कॉफी दी गई है, ना इन्हें घी दिया गया है। अरमान मलिक को दूध, कॉफी, घी, मसाले, सब कुछ, बेसिकली सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राशन जो है वो अरमान की टीम को दिया गया है। और इसी वजह से यहाँ पे लव कटारिया और रणवीर के बीच में एक तीखी झड़प हो जाती है, एक बहुत गंदी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हो जाती है। टास्क के दौरान जब ये डिबेट चल रही थी तब भी लव और रणवीर के बीच में, यानी कि लव और संचालक के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी। रणवीर ने काफी बार बोला, लव भाई तुझे इतनी दिक्कत है तो मैं उठ जाता हूँ, तू मेरी जगह पे आ जा के टास्क का संचालन तू ही कर ले। तो यहाँ पे विशाल ने लव को काफी बार रोका भी, लेकिन जब ये टास्क पूरा हो गया, रणवीर ने राशन डिवाइड कर दिया, इसके बाद लव एक्चुअल में काफी ज्यादा गुस्से में थे। लव और विशाल के बीच में भी एक आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर लव रणवीर के पास जाते हैं और उन्हें टोकते और बताते हैं कि भैया आप इस टास्क में बिल्कुल भी फेयर नहीं थे, आप इस टास्क में बहुत ज्यादा बायस थे। तो यहाँ पे रणवीर लव को कहता है कि देख, ऑलरेडी तेरे पे तीन लोग चढ़ चुके हैं, तीन लोगों का तेरे से सामना हो चुका है, अब तू क्या चाहता है कि चौथा इंसान भी तुझ पे चढ़े। तो यहाँ पे रणवीर ने डायरेक्ट डायरेक्ट लव कटारिया को धमकी दिया। और लव, मैं आपको बता दूं, इस पूरे टास्क में और इस टास्क के बाद लव बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। रणवीर ने यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल फेस दिखाया है और हिपोक्रेट। जी दोस्तों, रणवीर मुझे इस पूरे टास्क में हिपोक्रेट नजर आए, जिस तरीके से उन्होंने अरमान मलिक की टीम के फेवर में सारे फैसले किए। अगर डिबेट की बात करें तो टास्क में यहाँ पे लव कटारिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। अगर आप ये नहीं मानेंगे कि लव की टीम यहाँ पे जीतनी चाहिए, तो एक्चुअल में जो राशन है वो इक्वल इक्वल तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रणवीर ने कहीं ना कहीं बायसपंथी दिखाई है और बहुत ज्यादा राशन यहाँ पे अरमान की टीम को दिया है। उसके बाद लव और रणवीर के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ है, जहाँ पे रणवीर ने लव कटारिया को धमकी भी दी है। सो गाइस, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपके क्या ओपिनियंस है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मैटर पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।